हेलो दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे हम अब चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका। चैप्टर नंबर 5, एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, अभी तक हम कितना कवर कर चुके हैं ये सबसे पहले देखेंगे। अभी तक हम यहाँ पे अपना चीज़ कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर, चैप्टर खैर छोड़िए, चैप्टर के नेम से मतलब बनता है, यहाँ पे चैप्टर से कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पे हम कवर कर चुके हैं अपना सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है, सप्लाई अंडर जीएसटी, ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमने कंप्लीट किया चार्ज, ठीक है, रिवर्स चार्ज करके, जिसमें हमने कॉम्पोजिशन स्कीम जो आपका सेक्शन नंबर 10 रहता है, ठीक है, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे एग्जेम्पशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, वैसे चैप्टर नंबर नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चैप्टर नंबर नेम बता देता हूँ कि चैप्टर कौन कौन से है। तो चैप्टर यहाँ पे सेकेंड है, चार्ज जो है वो थर्ड है, और चैप्टर आपका एग्जेम्पशन जो है वो फिफ्थ चैप्टर है। सर यहाँ पे अगर गिनती के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक चैप्टर मिसिंग है जो आपने नहीं पढ़ाया, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है वो न्यू एडेड है इस बार से। ठीक है, न्यू एडेड है इस बार से। तो सर क्या यहाँ पे न्यू एडेड है तो नहीं पढ़ाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे चार्ज के बाद एग्जेम्पशन पढ़ना बेहतर रहता है। ठीक है, इसलिए मैं एग्जेम्पशन ले रहा हूँ ताकि एक लिंक बना रहे। लिंक कौन सा सर? वही जो चार्ज के अंदर, चैप्टर के अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी कि सर यहाँ पे बेसिकली काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, एक्टिविटीज़ जो कि हो सकती है कि सर यहाँ पे एक्टिविटीज़, ठीक है, जो कि हो सकती है सर टैक्सेबल हो सकती है वो एग्जेम्प्ट हो। ठीक है, दो चीज़ हो सकती है, या तो एक्टिविटी जो है आपने ट्रांजेक्शन किया वह तो या तो टैक्सेबल होगा या एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, अब कहते हैं कि सर टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल में दो तरीके से हो सकते हैं, FCM फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और RCM, जो कि मैंने आपको ये दो चीज़ पढ़ाई अपने चार्ज चैप्टरों के अंदर। ठीक है, चार्ज ऑफ GST। अब एग्जम्प्शन हो सकती है कुछ ये एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे मैंने कहा सर एक्टिविटीज़ दो तरीके की हो सकती है, या तो वो टैक्सेबल है या फिर वो एग्जम्प्ट है। ठीक है, टैक्सेबल के लिए यहाँ पे दो तरीके से हो सकती है, FCM और RCM। अब यहाँ पे एक्टिविटी एग्जेम्प्ट या फिर टैक्सेबल, और टैक्सेबल में भी कौन से सर, RCM के हिसाब से लगेगा या फिर FCM से हिसाब से लगेगा, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। बेसिकली हमने क्या किया सर, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, RCM से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी पढ़ चुके, ठीक है, कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ को पढ़ चुके, स्पेसिफिक एक्टिविटी है, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं कि जिस पे RCM लगेगा। मैंने वहाँ पे कहा था सर यहाँ पे इस एक्टिविटी, जो स्पेसिफिक एक्टिविटी मैंने आपको पढ़ाई, उस एक्टिविटी पे जो है ये RCM नहीं लगता है, मतलब कि कुछ ऐसी एक्टिविटी जो मैंने पढ़ा दी उस पे RCM लगेगा, उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी होगी, मैंने वहाँ पे आपको कहा था कि उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी होगी उस पे FCM लगेगा अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सबसे पहले एक्टिविटीज़ को देखते हैं, क्या एक्टिविटी आपने करी, क्या ट्रांजेक्शन करी, फिर हम ये देखते हैं कि क्या वो एग्जेम्प्ट है, फिर हम ये देखते हैं कि क्या वो एग्जेम्प्ट है। अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है इसका मतलब वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, टैक्सेबल में कौन सा सर, हम यहाँ पे देखेंगे RCM लगेगा या फिर FCM। तो RCM की स्पेसिफिक एक्टिविटी है तो हमने वो पढ़ रखी है। ठीक है, उस एक्टिविटी का ये ट्रांजेक्शन होगा, उन एक्टिविटी में से ही एक ट्रांजेक्शन होगा तो RCM लगा देंगे, इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी होगी FCM लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्क्लूड करें तो क्या निकल के आता है सर, हम यहाँ पे RCM की स्पेसिफिक एक्टिविटी को पढ़ रहे हैं और एग्जेम्पशन की स्पेसिफिक एक्टिविटी को पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब सर FCM के लिए कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं है। FCM के लिए यहाँ पे ये बोला जाता है कि सर जो चीज़ RCM में और एग्जेम्पशन की एक्टिविटी में कवर नहीं होगा वो FCM के कवर होगा, मतलब कि उस पर FCM लगेगा GST। ठीक है, तो एग्जेम्पशन के लिए स्पेसिफिक एक्टिविटी, RCM के लिए स्पेसिफिक एक्टिविटी, उसके अलावा कोई भी चीज़ बच गया वो FCM के लिए। इसलिए यहाँ पे एग्जेम्पशन चैप्टर साथ में ही पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो आपका प्लेस ऑफ GST करके यहाँ पे न्यू चैप्टर एडेड है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आपका ITC चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बीच में यहाँ पे एक और चैप्टर है टाइम और वैल्यू ऑफ GST। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ GST यहाँ पे वो चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे आपका इतना चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, जो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इतना कंप्लीट हो जाए, इससे कंप्लीट होने के बाद 80% तक का जो आपका पेपर का मार्जिन है, मार्क्स है, वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, 80% कवर हो जाता है इतना कंप्लीट होते ही आपका। ये ICAI का रेशियो है, ICAI कहता है कि 50-80% यहाँ पे इन्हीं चैप्टर में से आपका कवरेज रेशियो रहेगा। ठीक है, तो आप बेसिकली देखेंगे कि जैसे ही आपके हाथ में पेपर आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो एक मिक्स क्वेश्चन होता है, बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है, बड़े नंबर का, जो कि मिक्स होगा चार्ज का, एग्जेम्पशन का और ITC का।
ठीक है। ये बेसिकली तीन चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन होता है, उसमें दो दूसरे चैप्टर का भी मिक्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेनली आप देखेंगे ये तीन चैप्टर तो होंगे ही होंगे, दूसरे और एक दो तीन एक्टिविटी डाली हो तो अलग, ठीक है, बाकी ये मेन है। तो चीज़ें समझ में आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे चार्ज के बाद तुरंत एग्जेम्पशन पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ लिंक रहे। तुरंत एग्जेम्पशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो चैप्टर्स प्रोवाइड कर रखे, एक प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये बता दूँ कि सर ये जो रिवीजन लेक्चर सीरीज है हमारी, इसमें हम यहाँ पे सिर्फ रिवीजन, क्विक रिवीजन प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि उसके साथ आपके जो यहाँ पे ICA मॉड्यूल के यहाँ पे क्वेश्चन है उसे हम कवर करते हैं, ICA मॉड्यूल में क्विज है उसे हम कवर करते हैं, ठीक है, ICA मॉड्यूल के जो रेलिवेंट एग्जाम्पल है उसे हम कवर करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट आप समझिए कि जो आपका यहाँ पे एक रेगुलर लेक्चर होता है उसमें जितनी चीज़ें कवर होती है, या फिर काफ़ी सारे रेगुलर लेक्चर में भी इतनी चीज़ें कवर नहीं होती जो यहाँ पे कवर हो रही है आपके पास में, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ओके। बस फर्क इतना रहता है, रेगुलर लेक्चर में कुछ चीज़ों को थोड़ा और ज़्यादा पढ़ा दिया जाता है जितना हम यहाँ पे नहीं पढ़ाते, ठीक है, बेसिकली रिवीजन लेक्चर, इसलिए बाकी स्पीड डिफरेंस होता है, ठीक है, बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, वहाँ पे भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे भी पढ़ाया जाएगा। चलिए तो जल्दी से एग्जेम्पशन चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ना। जल्दी से आप लेटस रिकैप्चुलेट वाले पार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है, वहीं से कवर करेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आपको लेटस रिकैप्चुलेट दिया गया है, ठीक है। जल्दी से पॉइंट नंबर 2 पे आ जाएंगे, यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है, यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। तो जल्दी से आ जाएंगे पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे कहता है कि कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सर्विसेज की बात कर देंगे जो आपकी एग्जेम्प्ट है, उसके अलावा कोई भी सर्विस होगी, ये सर्विस जो हम एग्जेम्प्ट के अंदर पढ़ रहे हैं, एग्जेम्प्ट सर्विस जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसके अलावा कोई भी सर्विस होगी वो टैक्सेबल होगी, ये कहना चाहता है, ठीक है। और टैक्सेबल में भी आपको फिर वो देख लेना है कि RCM की जो स्पेसिफिक प्रोविजंस हमने पढ़ी वो क्या अप्लाई हो रही, अगर नहीं तो उस पर FCM लगेगा, राइट। इतनी चीज़ें क्लियर। चलिए तो यहाँ पे एग्जेम्पशन से रिलेटेड कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी, एक्टिविटी वाइज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पढ़ें सबसे पहली एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 1, हम सिर्फ नंबर दे रहे हैं अपने तरीके से, ठीक है, बस यहाँ पे कि ताकि याद रहे कि सर एक्टिविटीज हमने इतनी पढ़ी है। सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1 हम पढ़ते हैं सर, कि कहता है कि अगर चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, कोई चैरिटेबल एक्टिविटी हो रही है किसके द्वारा सर, बाय एन चैरिटेबल एंटिटी। चैरिटेबल एंटिटी को यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि सर एंटिटी जो रजिस्टर है अंडर सेक्शन 12AA और 12AB, 12AA और 12AB, इसका मतलब यही होता है चैरिटेबल एंटिटी, ठीक है, रजिस्टर चैरिटेबल एंटिटी, जो ये 12AA और 12AB जो सेक्शन है वो रजिस्टर आपका चैरिटेबल एंटिटी के लिए का सेक्शन है। सेक्शन आप याद कर सकते हैं, आपको याद रहता है तो, नहीं याद रहता तो छोड़ दीजिए, सेक्शन ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना याद होना चाहिए कि प्रोविजन क्या है। तो प्रोविजन यहाँ पे ये है कि कोई रजिस्टर चैरिटेबल एंटिटी जो है अगर चैरिटेबल एक्टिविटी की सर्विस दे रहा है तो वह एग्जेम्प्ट रहेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ना कि सर चैरिटेबल एक्टिविटी कुछ रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कि कुछ ऐसी एक्टिविटी दे रखी है जिसे ही हम चैरिटेबल एक्टिविटी मानते हैं, उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी होगी वो टैक्सेबल होगी क्योंकि उसे चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं माना गया, ठीक है। तो जल्दी से आप अपने पेज पे आ जाएंगे क्योंकि लेटेस्ट रिकैप्चुलेट में वो नहीं दी गिवन है। आप पेज नंबर जो है 5.10 पे आ जाएंगे, 5.10 पे जो है आपको यहाँ पे चीज़ें गिवन है। तो यहाँ पे मैं कह दूँ वापस से एक बार कि सर मैंने कहा, मैंने ये कहा सर, सबसे पहली एक्टिविटी हमने ये पढ़ी सर, सबसे पहली एक्टिविटी हमने ये पढ़ी कि कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है या फिर एंटिटी, चैरिटेबल एंटिटी है, ठीक है, जो कि क्या होनी चाहिए सर, रजिस्टर होनी चाहिए। सेक्शन याद है तो ठीक है, लेकिन हमें इतनी प्रोविजन याद होनी चाहिए कि कोई रजिस्टर चैरिटेबल एंटिटी जो है वो सर्विस दे रही है, कौन सी सर्विस सर, चैरिटेबल एक्टिविटी की, ठीक है, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ की सर्विस दे रही है किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन, कोई किसको दे रही है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, ओके। यहाँ पे चैरिटेबल एक्टिविटी देनी चाहिए, जो भी चीज़ कर रही है चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो रजिस्टर चैरिटेबल एंटिटी जो है सर्विस दे रहा है, कौन सी सर्विस सर, चैरिटेबल एक्टिविटी की सर्विस दे रहा है किसी भी पर्सन को, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर लॉ ने ये कहा, GST लॉ ने ये कहा सर कि चैरिटेबल एक्टिविटी मतलब कि ऐसा नहीं कि जो चैरिटेबल एंटिटी जो भी सर्विस देगा वो चैरिटेबल एक्टिविटी है, नहीं,
चैरिटेबल एक्टिविटी कुछ रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी है जो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। अगर ये आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है, इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी है हम उसे चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं मानेंगे। और चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं मानेंगे तो इसका मतलब इस पे जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब क्या है सर? चैरिटेबल एक्टिविटी में टोटल चार चीज़ें आएंगी, पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। इसके बाद कहता है कि कुछ ऐसे रिलीजियस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, योगा से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं तो, ठीक है, या फिर एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे या फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे तो वह इसमें इंक्लूडेड रहेगी, और एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई प्रोग्राम चला रहे तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट रहेगी। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ कर रहा तो वह एग्जेम्प्ट रहेगी, मतलब कि इसे चैरिटेबल एक्टिविटी माना गया है। लेकिन सारी पब्लिक हेल्थ एक्टिविटी को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया, मतलब कि चैरिटेबल एंटिटी जो है, रजिस्टर चैरिटेबल एंटिटी बोलूँ, रजिस्टर चैरिटेबल एंटिटी जो है अगर पब्लिक हेल्थ की कोई भी सर्विस दे रहा है तो हम उसे चैरिटेबल एक्टिविटी मानेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी है जिसे ही हम पब्लिक हेल्थ सर्विस मानेंगे और उसे एग्जेम्प्ट करेंगे। कहता है सबसे पहली ऐसी एक्टिविटी है यहाँ पे कि अगर ऐसा कोई पर्सन है जो फिजिकली या फिर मेंटली डिसेबल है, ठीक है, और उनका ट्रीटमेंट का आपका यहाँ पे हेल्थ वगैरह सर्विस दे रहे उन पर्सन को, ठीक है, उन पर्सन को आप हेल्थ सर्विस दे रहे तो वह एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि उसे चैरिटेबल एक्टिविटी माना गया, ठीक है। उसके बाद कोई एचआईवी या फिर एड्स से रिलेटेड अफेक्टेड पर्सन है, उनको हेल्थ सर्विस दी जा रही है तो वह एग्जेम्प्ट है क्योंकि उसे चैरिटेबल एक्टिविटी माना गया। इसके बाद थर्ड आपका यहाँ पे आता है सर, ड्रग्स या फिर अल्कोहल से अफेक्टेड पर्सन है और उनको हेल्थ सर्विस आप दे रहे हैं एज अ रजिस्टर्ड चैरिटेबल एंटिटी आप सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट है। तो बेसिकली मैंने कहा सर हेल्थ में कौन कौन सी चीज़ आएगी, हेल्थ में आपकी तीन चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले कहता है कि ऐसे पर्सन जो मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल है उनको हेल्थ सर्विस दी जा रही है, एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं, या फिर एड्स या फिर एचआईवी से रिलेटेड अफेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उनको हेल्थ सर्विस दे रहे हैं, एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ऐसे पर्सन जो ड्रग्स और अल्कोहल से अफेक्टेड पर्सन है और उनको हेल्थ सर्विस दे रहे आप, ठीक है, मतलब कि उनको छुड़वाना होता है ना, आपको पता है ना वो ड्रग्स वगैरह अफेक्टेड पर्सन होता है उनको छुड़वाना होता है, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो जाती है, कुछ यहाँ पे चैरिटेबल एंटिटीज़ होती है जो आपको छुड़वाने में हेल्थ आपको ट्रीटमेंट करती है वगैरह वगैरह, तो ये सारी एक्टिविटीज़ तो वो एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसे एग्जेम्प्ट माना गया कि आप किसी अफेक्टेड पर्सन को हेल्प कर रहे हैं, मतलब कि एक्टिविटीज़ ऐसी कर रहे हैं जो उसे छुड़वाना है, मतलब कि इससे रिलेटेड एक्टिविटी है, तो वो आपकी एग्जेम्प्ट है। और कहता है कि ऐसी कोई यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं जो पब्लिक को अवेयर करती है, किसके बारे में सर, हेल्थ के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में, या फिर एचआईवी इन्फेक्शन के बारे में, इससे रिलेटेड आप अवेयरनेस दे रहे हैं पब्लिक को, तो ऐसी भी एंटिटी जो है, ऐसी भी एंटिटी जो है रजिस्टर्ड एंटिटी अगर एक्टिविटी दे रही है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगी। तो मैंने कहा सर हेल्थ से रिलेटेड कुछ चार पाँच एक्टिविटी है, अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट या फिर एंटिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट या फिर एंटिटी मतलब कि जो रजिस्टर है अगर एक्टिविटी दे रही है, चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही है तो वह एग्जेम्प्ट रहेगा। चैरिटेबल एक्टिविटी में सबसे पहले हमने पढ़ा कि सर पब्लिक हेल्थ जो है वो चैरिटेबल एक्टिविटी माना गया है, लेकिन पब्लिक हेल्थ में ऐसे चार पॉइंट है जिसे ही हम पब्लिक हेल्थ की सर्विस मानेंगे जो एग्जेम्प्ट रहेगी, इसके अलावा कोई पब्लिक हेल्थ की सर्विस दे रहे तो वो टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो कहता है कि चार चीज़ें, सबसे पहला कि ऐसा कोई पर्सन है जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल है और उनके उनको हेल्थ आपको सर्विस दे रहे हैं, एग्जेम्प्ट रहेगा क्योंकि वो चैरिटेबल एक्टिविटी, एचआईवी और एड्स से अफेक्टेड पर्सन उन्हें हेल्थ सर्विस दे रहे हैं, चैरिटेबल एक्टिविटी, एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है कि कोई ड्रग्स या फिर अल्कोहल से अफेक्टेड पर्सन है उसे हेल्थ सर्विस दी जा रही है, चैरिटेबल एक्टिविटी, एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके बाद कोई ऐसा यहाँ पे प्लान चला रहा है, मतलब कि अवेयरनेस के रिलेटेड जो हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे आपको जो पब्लिक को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता है, या फिर पब्लिक प्लानिंग से रिलेटेड या फिर एचआईवी इन्फेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे आप जो है अवेयरनेस फैला रहे हैं, ठीक है, अवेयरनेस करवा रहे हैं सब पब्लिक को, तो ये भी आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी और एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। तो हेल्थ में ये चार पॉइंट ही आएंगे, इसके अलावा कोई भी है तो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि कोई रिलीजियन एक्टिविटी कर रहे हैं फुल्ली एग्जेम्प्ट, कोई दिक्कत नहीं है। रिलीजियन एक्टिविटी में तो मैं ये बता दूं कि सर कोई भी पर्सन ये एक्टिविटी कर रहा है एग्जेम्प्ट रहेगा, रिलीजियस एक्टिविटी कोई भी कर रहा है एग्जेम्प्ट रहेगा। स्पिरिचुअलिटी है और योगा से रिलेटेड यहाँ पे अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पे सर्विस दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिलीजन से रिलेटेड हम आगे पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड छोड़ दीजिए। फिर हम फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं सर, कोई रजिस्टर एंटिटी जो है वो 12AA और 12AB वाली, मतलब कि चैरिटेबल एंटिटी,
तो अगर कोई रजिस्टर्ड चैरिटेबल एंटिटी चैरिटेबल एक्टिविटी करती है तो एग्जेम्प्ट रहेगी। चैरिटेबल एक्टिविटी में सबसे पहले हमने पढ़ा कि हेल्थ से रिलेटेड पर्सन, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वह चैरिटेबल एक्टिविटी है। लेकिन हेल्थ से रिलेटेड केवल और केवल चार एक्टिविटी को यहाँ पे इंक्लूड करा गया है, वो चार एक्टिविटी है तो एग्जेम्प्ट। इसके बाद हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा कि सर अगर रिलीजन एक्टिविटी स्पिरिचुअलिटी या फिर योगा से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी चैरिटेबल एक्टिविटी है और एग्जेम्प्ट रहेगा। थर्ड कहता है कि सर आप कोई एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे या फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे तो वह एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन ध्यान रहे सर, ये जो प्रोग्राम चला रहे वो केवल और केवल चार तरीके के पर्सन के लिए चला रहे तो एग्जेम्प्ट है। कहता है सबसे पहला ऐसा पर्सन जो कहता है कि जो कि चिल्ड्रन है, कैसे चिल्ड्रन, एबंडेड ऑफन और होमलेस चिल्ड्रन, ठीक है, जिनके पास घर नहीं होता, वो बेसिकली उनकी हेल्प करने के लिए ऐसी चैरिटेबल एंटिटी वर्क करती है। तो चैरिटेबल एंटिटी अगर ये काम कर रही है, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट कर रही है या फिर एजुकेशनल प्रोग्राम चला रही है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए ऐसी एक्टिविटी कर रही है, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके बाद दूसरा ऐसा पर्सन कि कहता है कि वो ऐसे पर्सन जो कि मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है, या फिर कहता है अब्यूज्ड पर्सन है, जिनको स्किल डेवलपमेंट या फिर उनको सही करने के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटी की जाती है, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है उनको, उनकी तरीके से एजुकेशन, ठीक है, कि वो ठीक हो जाए, उसके लिए काफ़ी सारी एक्टिविटी की जाती है, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगी। इसके बाद थर्ड ऐसे पर्सन, यहाँ पे थर्ड एक्टिविटी इस तरह है, हाँ, कहता है कि थर्ड ऐसे पर्सन जो कि प्रिशनर है, ठीक है, तो उनकी एक्टिविटी हमेशा आपकी एग्जेम्प्ट रहेगी, ओके। इसके बाद यहाँ पे कहता है ऐसे पर्सन जिनकी एज 65 ईयर से अबो है, ठीक है, तो 65 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है और रूरल एरिया में है और उनको आप एजुकेशन या फिर आप स्किल डेवलपमेंट के सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली चार एक्टिविटी है जो कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंक्लूड होगी और वह एग्जेम्प्ट रहेगी, ठीक है। और इसके बाद एनवायरनमेंट से रिलेटेड तो कोई भी एक्टिविटी करें, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं आप, वो आपकी एग्जेम्प्ट मानी जाएगी, ठीक है। तो टोटल चार तरीके की मेनली एक्टिविटी है, चार तरीके की मेनली एक्टिविटी है, फिर उसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटी हो सकती है। चार कौन सी, सबसे पहले हेल्थ की सर्विस, दूसरी कहता है कि आप जो है रिलीजियस वगैरह योगा की सर्विस, ठीक है, थर्ड एक्टिविटी कहता है एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे या फिर स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद फोर्थ एक्टिविटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी बचाने के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर आ जाएंगे। और ये एक्टिविटी अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट या फिर एंटिटी जो कि रजिस्टर होनी चाहिए अगर दे रही है तो एग्जाम्पल माना जाएगा, ठीक है। तो ये मेन चीज़ थी, ये रिवीजन आपका यहाँ पे लेक्चर चल रहा है इसलिए मैं आपको फटाफट से आपको चीज़ों को बता रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको रिपीट करता चल रहा हूँ ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ख़त्म हो गया, ठीक है, हमने चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब समझ लिया। अगर ये एक्टिविटी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो कि रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है, अगर यहाँ पे दे रही है तो वह एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके बाद आप सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, सेकंड प्रोविजन, ठीक है, फर्स्ट प्रोविजन हमने पढ़ी, अब सेकंड प्रोविजन कहता है कि सर अगर रिलीजियस एक्टिविटी रिलीजियस सेरेमनी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, ठीक है, आप चाहे कोई भी हो, चाहे आप कोई भी पर्सन हो, ठीक है, चाहे आप नेचुरल पर्सन हो, चाहे आप आर्टिफिशियल पर्सन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पर्सन अगर रिलीजियस एक्टिविटी कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है, कोई भी पर्सन, ओके। इसके बाद यहाँ पे थर्ड प्रोविजन, ठीक है, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ उसी तरीके से आप पॉइंट मार्क करते चलिए, वो बेहतर रहेगा आपको रिवीजन करने में, ठीक है, वापस से जब आप पढ़ेंगे उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे आपका ये सेकंड पॉइंट है कि कहता है कि सर कोई भी पर्सन एनी पर्सन, ठीक है, सर्विस दे रहा है, कौन सी सर, रिलीजियस सर्विस, तो वो आपकी एग्जेम्प्ट रहेगी। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि सर अगर आपके पास कोई सी प्लेस है, ठीक है, जो आप उसे रेंट पे दे रहे हैं, कोई ऐसी प्लेस है जिसे आप रेंट पे दे रहे हैं, वो आपकी रेंटिंग जो है, रेंट से जो आने वाली अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट रहेगी, ठीक है। अब वो प्लेस कौन कौन सी हो सकती है वो पढ़ते हैं, आप कौन हो सकते हैं वो पढ़ते हैं, और फिर रेंट पे कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट रहेगा वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आप कौन होने चाहिए, तो क्या एनी पर्सन ये काम करेगा तो एग्जेम्प्ट रहेगा, आंसर इज नो। देखिए ये एक्टिविटी में मैंने कहा कि कोई भी पर्सन रिलीजियस एक्टिविटी करेगा एग्जेम्प्ट रहेगा, लेकिन थर्ड पॉइंट के अंदर कोई भी पर्सन नहीं है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, थर्ड पॉइंट के अंदर कौन होगा सर, ऐसी इंस्टीट्यूट या फिर एंटिटी या फिर ट्रस्ट, ठीक है, जो कि रजिस्टर होना चाहिए, जो रजिस्टर होना चाहिए 12EE 12AB के अंदर। इन शॉर्ट मैं ये कह दूं सर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट होना चाहिए, चैरिटेबल एंटिटी होना चाहिए, ठीक है, या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट होना चाहिए।
तो अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, चैरिटेबल एंटिटी, चैरिटेबल ट्रस्ट अगर ये रेंटिंग की सर्विस दे रहा है, रेंटिंग की सर्विस दे रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, लेकिन एग्जेम्प्ट अप टू द लिमिट रहेगा, ठीक है। उस लिमिट से आगे जाओगे तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। कहता है कि सबसे पहले या तो हो सकता है आप रेंट पे क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, कहता है हो सकता है वो आप रूम दे रहे हो अपने पास, अपने प्लेस पे हो सकता है ना, काफ़ी सारी रिलीजियस प्लेस पे आपको जो है रेंट पे रूम मिलते हैं, हॉल मिलते हैं, तो ये वही चीज़ें आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी चीज़ें देखते ही होंगे कि सस्ते भाव पे आपको मिलता है। आप यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ पे भी देखने को मिलता है कि सस्ते भाव में आपको जो है रूम मिलते हैं रेंट पे, ठीक है। काफ़ी सारे हॉल्स मिलते हैं कल्याण मंडपम, ठीक है, शादी के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप जो है रिलीजियस प्लेस पे देखते हैं कि ये सारी चीज़ें सस्ते रेंट पे रेंटिंग पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, कहता है कि हो सकता है ये इंस्टीट्यूट या एंटिटी या फिर ट्रस्ट जो रजिस्टर होने चाहिए, मतलब कि चैरिटेबल एंटिटी या फिर इंस्टीट्यूट या फिर ट्रस्ट रूम रेंट पे दे, या फिर हो सकता है कि वो अपने प्रीमाइसिस या फिर कल्याण मंडपम या फिर कम्युनिटी हॉल, जो भी आप नाम कहें, एक तरीके से मैं कह दूँ हॉल, उनके पास खाली जगह पड़ी होती है हॉल पूरे का पूरा, वो रेंट पे दे सकते हैं, या फिर हो सकता है उनके पास कोई शॉप हो वो रेंट पे दे रहे हैं, ठीक है। तीन तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, पर तीन ही होती है, उसके अलावा क्या ही चीज़ होगी। हो सकता है कि आप जो है क्या कर रहे हैं, रूम रेंट पे दे रहे हैं, हो सकता है कि आपके पास में कोई खाली जगह है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं एक तरीके से आपका यहाँ पे प्रीमाइसिस है, या फिर कह सकते हैं कि एक हॉल है, खाली जगह है, तो वो आप रेंट पे दे रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पास में शॉप होती है, ठीक है, आप देखते हैं कि रिलीजियस प्लेस पे बाजू में ही शॉप होती है जहाँ पे ये सारी सामग्री वगैरह चीज़ें मिलती है, तो वो शॉप हो सकती है। तो ये तीन तरीके की रेंटिंग पे चीज़ें देखने को मिलती है, उससे ज़्यादा क्या ही मिलेगी। तो कहता है कि ये आपकी एग्जेम्प्ट रहेगी अगर ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट या फिर चैरिटेबल एंटिटी या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट दे रहा है तो। इसके अलावा कोई पर्सन दे रहा है वो एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा, ठीक है। ये 3% अगर यहाँ पे, ये 3% अगर अपनी जगह जो है रेंट पे दे रहे हैं, कौन सी जगह, रूम हो सकता है, हॉल हो सकता है, या फिर तीसरा मैंने कहा शॉप हो सकता है, ठीक है। ये तीन अगर रेंट पे दे रहे हैं तो एग्जेम्प्ट रहेगा, लेकिन ध्यान रहे सर, रेंटिंग के लिए यहाँ पे अमाउंट फिक्स करी गई है, अगर उससे अमाउंट ज़्यादा गई तो पूरा टैक्सेबल होगा, ठीक है। कहता है कि यहाँ पे अगर रूम रेंट पे दे रहे हैं, ठीक है, आपके पास में कोई रूम है एंटिटी या फिर इंस्टीट्यूट या फिर ट्रस्ट जो रजिस्टर है, ठीक है, चैरिटेबल बेसिकली, तो चैरिटेबल ट्रस्ट एंटिटी यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, वो अपना रूम, अपने पास रूम है, वो रेंट पे दे रही है, तो उसका जो अमाउंट है, उसका जो रेंट है आप चार्ज करते हैं, वो रेंट जो है 1000 या फिर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इवन 1000 भी चार्ज किया तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। कहता है देखिए यहाँ पे 1000 या फिर उससे ज़्यादा होगा तो वो आपका जो है टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब दूसरी लैंग्वेज में हम ये लिख सकते हैं कि सर जो रेंट है रूम का, ठीक है, रूम का जो रेंट आप चार्ज करेंगे वो कितना कर सकते हैं सर, आप रूम का रेंट जो है वो अप टू 999 रुपीस तक चार्ज कर सकते हैं, मतलब कि 999 रुपीस आपने 999 बेसिकली अगर इतना अमाउंट चार्ज किया है तो वो एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे 1 रुपये भी ज़्यादा आपने चार्ज किया तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप टू 999 अलाउएबल, इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है, इतना अमाउंट आप चार्ज करेंगे तो वो एग्जेम्प्ट है। ये ध्यान रहे सर, ये चीज़ पर डे के हिसाब से है, ठीक है, पर डे, ठीक है, पर डे के हिसाब से, क्लियर। तो एक दिन का आप 999 रुपीस तक चार्ज कर रहे हैं तो वो आपका एग्जेम्प्ट है, लेकिन 999 रुपीस से 1 रुपये भी ज़्यादा आप चार्ज करेंगे तो वह टैक्सेबल के अंदर आ जाएगा, और टैक्सेबल भी कैसा है सर, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कहता है कि अगर आप रूम नहीं दे रहे, मान लीजिए कोई आपके पास में खाली जगह है, जैसे हम कम्युनिटी हॉल भी कह सकते हैं, कल्याण मंडपम है शादी के लिए, या फिर प्रीमाइसिस वगैरह आपके पास में खाली जगह है तो वो आप दे रहे हैं, ठीक है, खाली आपके पास में, सिंपली कहते हैं ना कि खाली आपके पास में जगह पड़ी हुई है तो वो जगह दे रहे हैं, या फिर आपके पास में वो जगह पे हॉल बना हुआ है तो हॉल दे रहे हैं, या फिर कल्याण मंडपम शादी के लिए कोई यहाँ पे हॉल है तो वो दे रहे हैं, तो उसका रेंट कितना चार्ज कर सकते हैं। कहता है कि उसका रेंट जो है वो 10,000 से कम होना चाहिए। इसका मतलब दूसरी लैंग्वेज में ये हुआ कि सर अगर 10,000 रुपीज आपने चार्ज किया या फिर उससे ज़्यादा चार्ज किया पर डे के हिसाब से तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसकी दूसरी लैंग्वेज क्या हो गई सर, दूसरी लैंग्वेज हो गई कि यहाँ पे आप जो है चार्ज कर सकते अमाउंट यहाँ पे
9999 ओके, इतना रुपीज आप पर डे के हिसाब से अलाउएबल है, पर डे के हिसाब से अलाउ, इस तरीके से लिखिए, ठीक है। क्योंकि ये जो ऐसे मॉड्यूल में लैंग्वेज लिखी गई है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देगी आपको, इसलिए कंफ्यूज कर देगी क्योंकि यहाँ पे 10,000 लिखा है, तो स्टूडेंट किस तरीके से पढ़ते कि भाई अपना जो कल्याण मंडपम वगैरह है उसमें 10,000 तक अलो है, ऐसा पढ़ लेते। लेकिन 10,000 तक अलो नहीं है, 10,000 अगर चार्ज किया तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ऐसा लिखा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि अलो कहाँ तक है सर, 9999 तक आपको अलो है, मतलब कि इतना अमाउंट चलो आप चार्ज कर रहे पर डे के हिसाब से तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन इससे एक रुपये भी ज़्यादा, मतलब कि 10,000 या फिर 10,000 से ज़्यादा अगर अमाउंट चार्ज करोगे पर डे के हिसाब से तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज थोड़ी समझनी ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे बाजू में आप ये सारी चीज़ें लिखते रहिए तो आपको हेल्पफुल होगा। एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहता है ये सारी चीज़ें, अभी तो हो सकता है आसान लगे लेकिन एग्ज़ाम के अगले दिन ये सारी चीज़ें नहीं होगी आपके पास लिखी तो आई होप कि आप जो है कर पाए, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। कहता है कि थर्ड ऐसी एक्टिविटी हो सकता है कि आपके पास में शॉप है उसे रेंट पे दे रहे, तो उसका रेंट जो है, यहाँ पे ध्यान रहे सर, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कहता है कि उसका रेंट जो है वो 10,000 या फिर उससे ज़्यादा आप चार्ज कर रहे हैं तो आप वो टैक्सेबल आ जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि सर 9,999 रुपीज़ आप मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं। सर 9,999 तो यहाँ पे भी था, लेकिन ध्यान रहे सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पर डे के हिसाब से था। मतलब कि अगर आपके पास में कोई ओपन प्लेस है या फिर आपके पास प्रीमाइसिस कम्युनिटी हॉल है, अगर उसे रेंट पे दे रहे तो उसका लिमिट क्या है सर, 9,999 पर डे के हिसाब से अलो है, ठीक है। मतलब कि पर डे के हिसाब से आपको इतना चार्ज करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। लेकिन ध्यान रहे जब मैं बात करूँ शॉप की, तो उसके लिए 9,999 रुपीज़ जो है वो पर मंथ है, पर मंथ है, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से जो है यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से मैक्सिमम लिमिट है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ओके। क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया कि ICAI ने टेस्ट किया कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा नॉलेज परफेक्ट रहता है ना, तो आइए टेस्ट करते हैं। ICAI ने पूछा सर कि एक शॉप है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के पास, ठीक है, जो कि रजिस्टर है, बेसिकली रजिस्टर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट याद कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा कि सर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, रजिस्टर है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि उनके पास में एक शॉप है, ठीक है, शॉप है, उनको रेंट पे दिया गया, ठीक है, रेंट चार्ज किया गया, रेंट चार्ज किया गया आपके पास में, मान लेते हैं 5,000 रुपीज पर डे के हिसाब से, ठीक है, रेंट चार्ज किया गया 5,000 पर डे के हिसाब से। तो कहता है कि सर यहाँ पे टैक्सेबल होगा या फिर नहीं, तो मल्टीपल स्टूडेंट यहाँ पे लिख के आ गए कि सर ऑब्वियसली 10,000 से कम ही है तो एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन ध्यान रहे सर यहाँ पर मंथ है, पर डे नहीं है, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से इतना चार्ज करना है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा चार्ज करोगे इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है चीज़ें फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी करके, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में इंपॉर्टेंट होगी। तो हमने टोटल 3 एक्टिविटी पढ़ ली अभी तक, 3 एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम 4th एक्टिविटी पढ़ेंगे। सर 4th एक्टिविटी ऐसी कुछ है, यहाँ पे कहता है कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ सर्विस देता है आपको पता हो तो, एक मिनट हाईलाइटर ले लेते हैं, हाँ जी। कहता है कि अगर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, कुछ स्पेसिफिक सर्विस होती है, ठीक है, कहता है स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ सर्विस प्रोवाइड की जाती है। कौन सी सर्विस सर, वो जो हज यात्रा या फिर आपके पास में यहाँ पे कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है, हज यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, बेसिकली गवर्नमेंट चलाती है सारी। तो वो चीज़ें स्पेसिफिकली कहा गया है कि वो एग्जेम्प्ट रहेगी, गवर्नमेंट ऐसे काफ़ी सारी रिलीजियस एक्टिविटी करती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है एग्जेम्प्ट रहेगी। इसके बाद यहाँ पे भी देखिए हज कमेटी वगैरह है, ठीक है, या स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है गवर्नमेंट ने, ठीक है, KMVN का मतलब वो आपने पता ही होगा आपको, जो इसका फुल फॉर्म रहता है कुमाऊँ मंडल विकास निगम लिमिटेड करके, ठीक है, ये कुछ यहाँ पे इसका फुल फॉर्म था, हज कमेटी है, ठीक है। ये कमेटी स्पेसिफिकली बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा ही होती है। तो बेसिकली ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली क्या करता है, रिलीजियस एक्टिविटी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे
लोगों को रिलीजियस एक्टिविटी प्रोवाइड करना, तो ये बेसिकली स्पेसिफिक लिखा गया एग्जेम्प्ट रहेगी, वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है, कोई यहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो ये आपकी हो जाती है फोर्थ एक्टिविटी, ठीक है, ये आपकी फोर्थ एक्टिविटी। फोर्थ एक्टिविटी इतना ज़्यादा उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कि सर ऐसी कोई कमेटी है जो कि ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। बेसिकली मैं कहे तो सर रिलीजियस एक्टिविटी एग्जेम्प्ट रहती है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा सर सेकेंड एक्टिविटी कि रिलीजियस एक्टिविटी अगर कोई भी कर रहा है, कोई भी पर्सन, एग्जेम्प्ट रहता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। यह आपका था फोर्थ पॉइंट ही था ना, हाँ फोर्थ पॉइंट आपका ये था। अब फिफ्थ प्रोविजन पढ़ रहे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे इस प्रोविजन को याद नहीं रख पाते हैं और इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक करके आते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि सर अगर ट्रेनिंग एंड कोचिंग की सर्विस दे रहे, ट्रेनिंग और कोचिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वह एग्जेम्प्ट रहेगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक हद तक। कहता है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप इंडिविजुअल हैं, ठीक है, मतलब कि नेचुरल पर्सन है, ठीक है, तो अगर आप इंडिविजुअल हैं, कहता है कि अगर आप रिक्रिएशनल एक्टिविटी, जैसे कि हम कह सकते हैं आर्ट्स और कल्चर, ये दो एक्टिविटी याद रखिए, अगर इंडिविजुअल आर्ट्स और कल्चर की एक्टिविटी कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन ध्यान रहे सर, इंडिविजुअल और आर्ट्स और कल्चर ओनली, इससे अलावा कोई एक्टिविटी करेगा वो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल है। अगर इंडिविजुअल आर्ट्स और कल्चर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर रहा है वो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। और कहता है कि अगर चैरिटेबल एंटिटी है तो चैरिटेबल एंटिटी स्पोर्ट की सर्विस देगा तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, इसके अलावा कोई भी सर्विस है वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो चैरिटेबल एंटिटी से रिलेटेड अगर वो स्पोर्ट की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी होगी जो कि ट्रेनिंग और कोचिंग से रिलेटेड है वो आपका टैक्सेबल होगा। देखिए चैरिटेबल एंटिटी जो है वो चैरिटेबल एक्टिविटी करता है तो वो तो एग्जेम्प्ट है, वो अलग बात है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सर ट्रेनिंग और कोचिंग की एक्टिविटी की, ठीक है। तो ट्रेनिंग और कोचिंग में भी कहता है कि चैरिटेबल एंटिटी स्पोर्ट की सर्विस देगा, स्पोर्ट से रिलेटेड कोई भी सर्विस देगा वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट है। लेकिन उसके अलावा कोई भी सर्विस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये पूछ लूँ कि सर चैरिटेबल एंटिटी है आर्ट्स की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो एग्जेम्प्ट रहेगा? आंसर इज नो, वो टैक्सेबल रहेगा, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। इसके बाद मैं कह दूँ सर इंडिविजुअल है वो स्पोर्ट्स की सर्विस दे रहा है तो वो टैक्सेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड बाय वर्ड ध्यान रखना है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आर्ट्स और कल्चर की सर्विस दे सकते हैं, एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके अलावा कोई भी सर्विस है टैक्सेबल रहेगा। और अगर आप चैरिटेबल एंटिटी है जो कि रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है, रजिस्टर चैरिटेबल एंटिटी है, स्पोर्ट की सर्विस देंगे तो एग्जेम्प्ट, इसके अलावा कोई भी सर्विस देंगे टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी फिफ्थ सर्विस आपकी थी, ठीक है। तो टोटल फिफ्थ सर्विस आपकी कंप्लीट होती है। तो पूरे का पूरा यहाँ पे जो मेन पॉइंट था, मेन पॉइंट क्या था, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी से रिलेटेड पॉइंट, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। ये मेन आपका हेडिंग था, ये हेडिंग कंप्लीट होता है। इस हेडिंग के अंदर टोटल हमने 5 एक्टिविटी पढ़ी, पाँचों की पाँचों एक्टिविटी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम इस बार साथ में कवर करके चलेंगे, क्योंकि एग्जम्पशन चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके पास में, तो उसे कंप्लीट करके साथ में ही चलेंगे। चलिए हाँ यहाँ पे आ जाइए पेज नंबर 5.12 पे। कहता है 5.12 पे एग्जाम्पल नंबर 11, जो एग्जाम्पल करा रहा हूँ सारे रेलिवेंट एग्जाम्पल आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा टाइम रहता है तो आप एग्जाम्पल कर सकते हैं, नहीं रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे रेलिवेंट तो मैं आपको कवर करवा के ही चल रहा हूँ, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए तो यहाँ पे कहता है कि सर सीखा एकेडमी है कोई, ठीक है, और सीखा एकेडमी है क्या सर? कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ओके। कहता है कि रन करते हैं सर्व सेवा ट्रस्ट, ठीक है, सर्व सेवा ट्रस्ट है जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर है अंडर 12AB, ठीक है। कहता है ऑर्गेनाइज करते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन किन के लिए? कहता है ओल्ड एज पीपल, जो कि एज है उनकी ओवर द 65 ईयर्स, ठीक है जी। कहता है रिसाइड इन बेंगलुरु सिटी, कहता है अर्बन एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि सर ये सर्विस जो है, ये एक्टिविटी जो है वो एग्जेम्प्ट है या फिर नहीं। तो सर अभी अभी पढ़ा कि सर अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, ट्रस्ट है, ठीक है, बेसिकली रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है, रजिस्टर ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूट है, एंटिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि रजिस्टर होना चाहिए। यहाँ पे कहा है कि सर ये रजिस्टर है,
ठीक है। 12 ए बी सेक्शन याद है तो ठीक है, वरना छोड़ दीजिए। बेसिकली ये रजिस्टर होना चाहिए, जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, ट्रस्ट है, कोई भी रजिस्टर है और ये चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है तो एग्जेम्प्ट रहेगा। एक चैरिटेबल एक्टिविटी में हम एक पॉइंट ऐसा पढ़े थे कि सर अगर एजुकेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एजुकेशनल प्रोग्राम या फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप चला रहे हैं, ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, लेकिन चार तरीके के पर्सन के लिए वो एग्जेम्प्ट रहेगा। उसमें एक ऐसा पर्सन था, कहता है कि ऐसे पर्सन जिनकी एज 65 इयर्स से ज़्यादा है और उनके लिए आप यहाँ पे प्रोग्राम चला रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट या फिर एजुकेशनल प्रोग्राम चला रहे हैं, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन ध्यान रहे सर, ये प्रोग्राम कहाँ पे होना चाहिए, पर्सन कहाँ पे रिसाइड करने चाहिए, पर्सन जो है वो रूरल एरिया में रिसाइड करने चाहिए। इसके अलावा कहीं पे भी आप जो है चेंज कर दोगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। कोई भी पॉइंट चेंज कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल पीपल जो है 65 ईयर से कम है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, या फिर मैं सब कुछ ऐसे ही रहने दूँ, रूरल एरिया को चेंज कर दूँ अर्बन एरिया में तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहता है सर, अर्बन एरिया में ये सर्विस दी गई, एक्टिविटी की गई, तो क्या एग्जेम्प्ट रहेगा? आंसर इज नो। मैंने पहले ही कहा था कि सर एग्जेम्पशन चैप्टर या फिर मैं कहूँ पूरे का पूरा जीएसटी सब्जेक्ट ही ऐसा है, वर्ड बाय वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एक भी वर्ड चेंज कर दिया तो वो टैक्सेबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या कहता है कि सर्विस प्रोवाइड की जा रही है सिखा एकेडमी, डू नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी। चैरिटेबल एक्टिविटी में काम नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि सर अर्बन एरिया में आप काम कर रहे हैं, अर्बन एरिया है ही नहीं। हमारा रूल ये कहता है कि सर रूरल एरिया में ये एक्टिविटी होनी चाहिए, जिनकी एज जो है 65 ईयर से अबो होनी चाहिए, ठीक है, अबो होनी चाहिए 65 ईयर से, और आप जो है उसके लिए स्किल डेवलपमेंट या फिर एजुकेशनल प्रोग्राम वगैरह चला रहे हैं चाहिए, ठीक है, तो एग्जेम्प्ट। तो क्या ये चीज़ एग्जेम्प्ट है? आंसर इज नो। यहाँ पे आप पेन से लिख देंगे सर, क्योंकि एग्जाम टाइम पे इतना पढ़ने का यहाँ पे मौका नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि सर नॉट एग्जेम्प्ट, ठीक है, या फिर टैक्सेबल है, आप इतना ही लिख सकते हैं यहाँ पे, नॉट एग्जेम्प्ट, या फिर आप लिख सकते हैं फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप शॉर्ट में इसे मार्क करके चलिए, अर्बन एरिया होना क्या चाहिए सर, रूरल एरिया। इस तरीके से आपकी मॉड्यूल में मार्क होना चाहिए, अगले दिन रिवाइज करने में यही हेल्प करेगा, ठीक है, अर्बन एरिया है इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए, एग्जांपल नंबर 17, पेज नंबर आप देख सकते हैं आपके आईसीएम मॉड्यूल में क्या है, ठीक है। बेसिकली इस एग्जाम्पल पे आइए, पेज नंबर आपके आईसीएम मॉड्यूल के हिसाब से हो सकता है डिफरेंट हो, इस एग्जाम्पल पे आ जाइए। कहता है KMVN सप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल सर्विस, कहता है कि नेमली मेडिकल फैसिलिटी है, कैटरिंग सर्विस है, सिक्योरिटी हुआ, काफ़ी सारी सर्विस दे रहा है यहाँ पे। कहता है टू द पिलग्रिम्स अंडरटेकिंग कैलाश मानसरोवर, कहता है कैलाश मानसरोवर ये जो आपकी यात्रा रहती है तो उससे रिलेटेड ये काफ़ी सारी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है? KMVN। कहता है सच सर्विस प्रोवाइड बाई KMVN इज रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि अगर यहाँ पे जो KMVN सर्विस दे रहा है, ठीक है, वो बेसिकली रिलीजियस एक्टिविटीज के अंदर ही यहाँ पे कवर होता है, ठीक है, पिलग्रिमेज, तो यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर ही कवर होता है। क्योंकि मैंने अभी अभी कहा सर कि अगर आप रिलीजियस एक्टिविटी से रिलेटेड, रिलीजियस एक्टिविटी कोई भी आप कर रहे हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, यहाँ पे तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट पढ़ा वही है, KMVN। KMVN का फुल फॉर्म भी मैंने बताया था, वापस एक बार बता दूँ, वैसे याद करने लायक है नहीं, याद हो जाता है तो ठीक है, ठीक है, कुमार मंडल विकास निगम, बेसिकली इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा होना चाहिए आपके मॉड्यूल में, ये रहा, देख लीजिए यहाँ पे, इसे मार्क भी कर सकते हैं। फुल फॉर्म MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इंपॉर्टेंट हो बेसिकली, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद कर लेते हैं तो सही रहता है कि फुल फॉर्म क्या रहेगा। तो चार ऑप्शन दे दिए, फुल फॉर्म दे दिया, आपको सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है, तो ये आपका फुल फॉर्म है, ठीक है। अगर ये सर्विस कोई भी दे रहा है रिलीजियस से रिलेटेड वो एग्जेम्प्ट रहता है, वो आपको पता ही है, ठीक है, तो वही एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर आप आ जाइए 13 पे, ये तो छोटा सा एग्जांपल है। कहता है कि भाई अपने पास में कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, नाम दिया गया चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर है, कहता है सेक्शन के अंदर, और योगा कैंप चला रहे हैं, ठीक है, योगा मेडिटेशन कैंप वगैरह चला रहे हैं ओल्ड एज पीपल के लिए, ठीक है, और योगा में तो कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम पढ़ चुके हैं सर, योगा के आप जो है सिंपली सर्विस देने चाहिए बस,
ठीक है, योगा में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिसने कहा सर ओल्ड एज पीपल के लिए चला रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कहता है कि क्या एग्जेम्प्ट रहेगा? आंसर इज यस, एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर योगा वगैरह सर्विस दे रहे हैं, हमने देखा था सर स्पिरिचुअलिटी है, योगा है, रिलीजियन एक्टिविटी है, तो वो एग्जेम्प्ट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जेम्प्ट है। ओके, इसके बाद कोई और एग्जाम्पल, 14th नंबर का एग्जाम्पल क्या कहता है सर? कहता है कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है मानवता करके, ठीक है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो रजिस्टर है। बेसिकली ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रजिस्टर होना ज़रूरी है, ठीक है, रजिस्टर होना ज़रूरी है, तो रजिस्टर है, कह दिया है। कहता है कि हैज़ ऑर्गेनाइज्ड बास्केटबॉल ट्रेनिंग कैंप फॉर टीनेजर, GST वुड बी एग्जेम्प्ट ऑन सेम सर्विस। यहाँ पे अभी अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था अभी, से 4th नंबर और 5th नंबर की एक्टिविटी क्या पढ़ी हमने सर? यहाँ पे देखिए, मैंने अभी अभी पढ़ा है कि अगर आप इंडिविजुअल है, 5th नंबर की एक्टिविटी है, इंडिविजुअल है और आर्ट और कल्चर की सर्विस दे रहे हैं, एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके अलावा कोई भी सर्विस दे रहे हैं, टैक्सेबल हो जाएगा। और चैरिटेबल एंटिटी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो टैक्सेबल है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी एग्जेम्प्ट रहेगा। यहाँ पे क्या कहता है सर? यहाँ पे आपको कहता है बास्केटबॉल की सर्विस यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, चैरिटेबल एंटिटी ट्रस्ट है, ठीक है, बेसिकली रजिस्टर है, और बास्केटबॉल मतलब स्पोर्ट्स, ठीक है, क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, सारे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी सर्विस दे रहा है वो एग्जेम्प्ट रहेगा। देख लीजिए यहाँ पे कहा है एग्जेम्प्ट, ठीक है, तो ये मार्किंग होने चाहिए आपके पास में एग्जाम टाइम पे, ये डायरेक्टली देख लेना है, काम खत्म, एग्जाम्पल कवर होते जाएंगे। ये एग्जाम्पल नहीं है, आपके बेसिकली क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसी में से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पे टाइम पास थोड़ी ना हो रहा है। कहता है कि एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए, कोई जोशी करके पर्सन है, कहता है प्रीस्ट है, बढ़िया, ठीक है, इनकी एक्टिविटी तो वैसे भी एग्जेम्प्ट होती है। कहता है कि चार्ज करते हैं 12,000 रुपीज फॉर कंडक्टिंग अ रिलीजियन सेरेमनी, ठीक है, किसी का बर्थडे था। यहाँ पे कहता है कि घनश्याम जो करके पर्सन है, उनके सन है, उनका बर्थडे था, तो उनके रिलेटेड उन्हें बुलाया गया था, ठीक है, जोशी को, मिस्टर जोशी, और उनके पास में ये एक्टिविटी करवाई गई। उनकी चार्ज फीस जो है वो 12,000 है। अभी अभी मैंने कहा सर रिलीजियस एक्टिविटी कोई भी पर्सन दे रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। तो कहता है कि सर अमाउंट जो चार्ज किया गया, भले ही 12,000 वगैरह कितना भी हो, वो एग्जेम्प्ट रहेगा आपके पास में, वो एग्जेम्प्ट रहेगा, रिलीजियस एक्टिविटी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे यहाँ पे पड़ी है, हाँ रेंटिंग वाली पड़ी है, चलिए देख लेते हैं क्या कहता है सर। हाँ मैं इंस्टीट्यूट की बात कर रहा था सर, एक एग्जाम्पल दिया था, ऐसे एग्जाम्पल काफ़ी पूछे गए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 कहता है कि ट्रस्ट है, ठीक है, वो ये भी लिखेगा कि सर रजिस्टर है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है सर रजिस्टर, सेक्शन भी लिखेगा, देख लीजिए यहाँ पे सेक्शन लिखा है, उसके बाद आगे धीरे धीरे आपको फंसा देगा। कहता है कि ये जो है अपने पास में एक कमर्शियल शॉप है उनके पास में, ठीक है, वो रेंट पे दे दिया, वो रेंट पे दे दिया, ठीक है, टेंपल की प्लेस है, कहता है कि रेंट पे दे दिया, चार्ज कर रहे हैं 10,000 पर मंथ के हिसाब से। यहीं पे आपको जो है यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट ने मैंने जो लिखवाया, ठीक है, आपको ये जो चीज़ लिखवाई बाजू में, अगर ये नहीं लिखी है तो स्टूडेंट यहाँ पे कह देंगे कि 10,000 है ना, ओके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एग्जेम्प्ट है, लेकिन यहाँ पे एग्जेम्प्ट नहीं है। क्यों एग्जेम्प्ट नहीं है? क्योंकि मैंने आपको क्या लिखवा है सर, अगर रेंट की बात करें तो शॉप में कहता है 9,999 तक चार्ज करेंगे, उससे ज़्यादा चार्ज करेंगे तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे कितना चार्ज किया? 10,000 रुपीज़, तो यहाँ पर फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्या एग्जेम्प्ट रहेगा? आंसर इज नो, ये एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। तो क्या लिखा है सर, कंसीडरेशन और रिसीव इज लाइबल टू GST एज सच सर्विस आर एग्जेम्प्ट ओनली, ये दिख लिया यहाँ पे लिखा है। मैं तो सोचने लगा कि एग्जेम्प्ट कैसे कह दिया, यहाँ पे लिखा है एग्जेम्प्ट ओनली व्हेन द कंसीडरेशन इज लेस देन 10,000, मतलब कि ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फुल्ली टैक्सेबल। तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अटपटी है, तो यहाँ पे एग्जाम टाइम पे इसे पढ़ने का वक्त नहीं है हमारे पास में, हमें सिर्फ इसे समझना है एग्जाम टाइम पे, तो यहाँ पे लिख देंगे कि फुल्ली टैक्सेबल होगा, ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। अब आपको ज़्यादा लिखना है तो लिख दीजिए कि 10,000 से कम अमाउंट होना चाहिए, या फिर हमने जैसे याद रखा रुपीज़ 9,999 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कहता है एग्जाम्पल नंबर 17 पे आइए, कहता है कि कोई ट्रस्ट है, ठीक है,
नाम से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो क्या है उससे भी लेना देना होता है। कहता है कि ट्रस्ट है, कहता है रिलीजियस ट्रस्ट है जो कि रजिस्टर है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है, रजिस्टर है। इसके बाद कहता है कि सर यहाँ पे कहता है मैनेज करता है गुरुद्वारा, ठीक है। और कहता है इट रेंट द कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी हॉल को यहाँ पे रेंट दिया जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कम्युनिटी हॉल को आप रेंट पे दे रहे, कितने में दे रहे? कहता है रेंट चार्ज किया जा रहा है 9000 पर डे के हिसाब से। अब हमारी प्रोविजन याद करेंगे आप, हमारी प्रोविजन कहाँ गई? सर अगर आप जो है कोई आपके पास में ओपन प्लेस है या फिर कम्युनिटी हॉल है या फिर कल्याण मंडपम है, तो उसका जो आप रेंट चार्ज करेंगे 9999 पर डे से ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। इतना तक चार्ज किया एग्जेम्प्ट है, आपने कितना चार्ज किया 9000, ऑब्वियसली लेस देन 999, ठीक है, 9999 से कम किया है, इसका मतलब ये एग्जेम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कंसिडरेशन और रिसीव इज एग्जेम्प्ट, ठीक है, एग्जेम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, चलिए क्विज में साथ में ही कंप्लीट करते हैं या फिर लास्ट में, चलिए क्विज के लिए साथ में एक लेक्चर आपको लास्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे, क्विज को हम लास्ट में करेंगे। तो सारे एग्जांपल हमने कर लिए इसी के साथ, अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से चलेंगे। थोड़ा सा टाइम देके एक्टिविटी को दो तीन एक्टिविटी पढ़ेंगे, आपको बीच में ब्रेक मिलेगा, मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। हालांकि एग्जाम के अगले दिन दे रहे तो आप 2x की स्पीड पे सारे वीडियो देख रहेंगे एक साथ, लेकिन अभी देख रहे हैं तो अभी आपके पास में एक एक एक्टिविटी पढ़ने के बाद उसका रिवीजन करने का वक्त है, तो उसे अच्छे से रिवीजन करिए, उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करिए।